श्री राम जय जय राम। श्री राम। मकर संक्रांति के पर्व की धूम देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। ये झलकियाँ जो आप देख रहे हैं, ये आ रही हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी से, जहाँ कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए सरयू नदी में उतरे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर अपने सारे पाप धो रहे हैं। स्नान के लिए घाट पर काफी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि इस मौके पर न केवल अयोध्या वासी बल्कि दूर दूर से आए लोग भी डुबकी लगाकर भगवान श्री राम से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। इस साल मकर संक्रांति के ये स्नान भक्तों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, जिसको लेकर भक्त बेहद ही उत्साहित है। धनुराशि से श्री सूर्य आज मकर राशि में जाता है। आज मकर स्नान का आज से शुभारंभ होता है मेला। आज का ये महीना है, इतना पावनी महीना है, जब श्री सूर्य नारायण मकर राशि में जाते हैं, चंद्रमा भी मकर राशि में जाते हैं, दोनों एक योग है और श्री पुष्कर योग भी बनता है। आज नहाने का विशेष महत्व है। माघी महीना का जो स्नान है आज से शुरुआत होता है और आज से उत्तरायण, जब हमारे धर्मशास्त्र में पुराण में उल्लेखित चीज है, बहुत चीज वेद पुराण में उल्लेखित किया है, उत्तरायण में किया कार्य सफल होता है। जब कोई आदमी का भी शरीर उत्तरायण में छूटता है तो उसका मुक्ति होता है, ये भी कहा गया है। ये कैलाश मानव सरोवर से आई हुई पावनी गंगे सरयू नदी का विशेष महत्व है। ये राम लला का क्षेत्र भी है, यहाँ पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। ये भी एक उत्सव है इस शहर के लिए और इस देश के लिए, समस्त भारत खंडे के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत खुशी का क्षण है। इसीलिए हम लोग नेपाल से 2-400 आदमी आ रहे हैं स्नान करने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है जो योगी जी के द्वारा यहाँ पे विकास हो रहा है। उम्मीद है आगे चल के जो है और भी श्रद्धालु बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।